और यूट्यूबर और सांपों के विष सप्लाई करने के आरोपी एल्विश यादव की कल रात जेल में गुजरी है। एल्विश ने सोते जागते किसी तरह से रात गुजारी। दरअसल ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर ACJM कोर्ट में एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नोएडा पुलिस ने सूरजपुर ACJM कोर्ट में एल्विश यादव को पेश किया था। रेप पार्टी केस में एल्विश का नाम आया था। सबूतों के आधार पर नोएडा पुलिस ने कल एल्विश को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एल्विश को कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एल्विश यादव पर NDPS एक्ट भी लगाया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एल्विश ग्रुप की पूरी कहानी बताते हैं। तो क्या है कहानी? सबसे ऊपर एल्विश यादव है जो कि सपेरों का सरगना होने का इस पर आरोप लगा है। इसके बाद आता है राहुल यादव, ये एजेंट है, नशाखोरों का है, यही सपेरों से जुड़ा रहता है। फिर आते हैं सपेरे जो सांप और जहर यानी कि स्नेक वेनम लेकर आते हैं, और सबसे आखिरी कड़ी होती है इस विष गैंग की नशाखोर और रेप पार्टी के आयोजक जो उनके क्लाइंट होते हैं। तो ये किस तरह से पूरा एक नेक्सस के तौर पर ये काम करता है जो आप इन ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। बिग बॉस OTT2 के विजेता एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूट्यूबर एल्विश यादव पर आरोप है कि इसने सांपों के जहर का इस्तेमाल रेप पार्टियों में सप्लाई के जरिए किया है। नोएडा की रेप पार्टियों में नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे सांपों के जहर का केस एल्विश यादव को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। रेप पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई के केस में नोएडा पुलिस ने एल्विश से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की है। रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई के मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो गई। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें बीते वर्ष एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें 5 सपेरे और साथ ही एल्विश यादव का नाम सामने आया था। पुलिस लगातार इसमें अपना काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, साक्ष्य संकलन जुटा रही थी, और आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एल्विश यादव को जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको साथ में बता दें इन्वेस्टिगेशन में नोएडा पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई हैं। धारा 284, 279, 120B वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर की जांच के लिए जयपुर FSL सैंपल भेजे थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक कोबरा करेल प्रजाति के सांपों का जहर था। बताते चले कि इस मामले में एल्विश यादव समेत कुछ और लोगों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 20 और 49 थाने में केस दर्ज हुआ था। नोएडा पुलिस ने FSL से जहर के कंपोजिशन की डिटेल मांगी थी। खबर है कि पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने और FSL की रिपोर्ट के आधार पर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी हमारे साथ हैं यहाँ पर, विद्या मिश्रा जी। सर पूरा मामला क्या था, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, आज कब बुलाया था पूछताछ के लिए एल्विश को? ये देखिए, पहले से अभियोग पंजीकृत था, इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही थी और FSL की रिपोर्ट के बाद से बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूछताछ में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए, साक्ष्य के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर कौन आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया और क्या आरोप है इनके ऊपर? एल्विश यादव है, इनके द्वारा रेव पार्टीज में जो स्नेक वेनम्स का प्रयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आया था और हमारे रिपोर्ट से भी प्रमाणित हुआ है, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर कितने दिन की रिमांड मिली है आज कोर्ट से? अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर एल्विश यादव के पास जो आप लोगों ने जो आपने मटेरियल बरामद किया था सर, और जो जहर बरामद किया था उसकी फॉरेंसिक जांच भी आपने कराई थी, उसमें भी जो चीजें आई थी वो जो इनके खिलाफ जाती थी सर? जी, फॉरेंसिक जांच में सारी चीजें प्रमाणित थी। सांपों की तस्करी और रेप पार्टी को लेकर चल रही जांच पर पिछले साल नवंबर में आरोपियों को रिमांड पर भी लिया गया था। इसके बाद नोएडा पुलिस ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें आरोपियों की तरफ से कई खुलासे भी किए गए थे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस के सामने कबूल किया था कि इन रेव पार्टियों में बीन प्रोग्राम और सांपों का खेल भी करवाया जाता है और इनका कनेक्शन एल्विश और फाजिल पुरिया से भी बताया गया। इसके बाद पुलिस पता लगाने में जुट गई थी।
इसके अलावा आपको बता दें एफएसएल की रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ था कि जो सांपों का जहर बरामद हुआ था वो करैत प्रजाति का था। साथ ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने कंपोजिशन के लिए भी लेबोरेटरी को पत्र भेजा था, कंपोजिशन भी मिल गया है। ये घटना बीते साल 3 नवंबर की है, जब नोएडा सेक्टर 51 में मौजूद एक बैंकेट हॉल से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास 9 सांप मिले थे, जिनमें से 5 कोबरा सांप थे। इन लोगों के पास से पुलिस को 20 ml संदिग्ध जहर भी मिले थे। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया गया था कि उस हॉल से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें एल्विश यादव शामिल नहीं था, लेकिन नवंबर में इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसमें बताया जा चुका है कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ नोएडा के फार्म हाउस पर वीडियो बनाता था और रेव पार्टी के दौरान उनका इस्तेमाल करता था। फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर एल्विश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जेल का रास्ता दिखा दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और साथ ही इस दौरान इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो फाजिलपुरिया का नाम सामने आया था। फाजिलपुरिया पर अभी हालांकि पुलिस के अफसर और अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एल्विश यादव की गिरफ्तारी कर ली गई और जेल का रास्ता उसे दिखाया गया। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। और पार्टियों में नशाखोरी आम बात है, लेकिन स्नैक वेनम हर शख्स के लिए नहीं होता। इसे गलत तरीके से लिया जाए तो जान भी जा सकती है। रेप पार्टियों में लोग स्नैक वेनम 2 तरीके से लेते हैं। पहला तरीका, सीधे सांपों से डसवाना, हाथ पैर जीभ पर सांप से कटवाते हैं। स्नैक बाइट खतरनाक तरीका है, जान जाने का खतरा भी इसमें रहता है। पहली बार में सीधे स्नैक बाइट नहीं लेते, 15-20 दिन तक नशा रहता है, फिर आता है। और दूसरा तरीका, टैबलेट या फिर पाउडर के जरिए नशा करना। पाउडर टैबलेट ड्रिंक में डालकर लेते हैं, 7 से 10 दिन तक इसका असर रहता है। वो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, शक्ल से भी स्मार्ट दिखता है, लेकिन थोड़ा अकल पे काम करने की जरूरत है। भाई कैसे भी हो, अपने मम्मी पापा द्वारा तो रहे मैं अपने देश में। 2 मिनट लेट है, गेट आउट सर, सॉरी, गेट आउट। सलमान खान आज भी सल्लू भाई खुले घूम रहे हैं, मैंने की है मेहनत तो रहे मैं अपने देश में। कुशा कापिला आशिका भाटिया, अरे कौन से बदमाशी के फार्म भर रखे तुमने, हम 6-7 जने मिल के छोरी तंग करने लग रहे हो, बदमाशी का खेल तो ढंग से करो। ऐसे ना जाने कितने सेलिब्रिटी हैं जिनसे एल्विश ने सीधा पंगा लिया, या यूं कहें कि इसी तरह के विवादों से एल्विश ने अपने शोहरत की सीढ़ियां चढ़ी। जरीन खान होगी, जैकलीन फर्नांडिस होगी, इन सबको सल्लू भाई ने लॉन्च करा है। इनमें से 2 ही चल पाई, जरीन खान नहीं चल पाई, उसने पक्का सल्लू भाई को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ा, सॉरी सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे एनजीओ खोल रखे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे भाई। उस पर हिट एंड रन का केस भी लग रखा है, ब्लैक बक मारने का मतलब उखाड़ा हिरन मारने का केस भी लग रखा है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन एल्विश जब बिग बॉस में सलमान के सामने रोया तो उसके समर्थन में इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर उतर आए। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के ट्वीट ने सनसनी फैला दी। हद तो तब हो गई थी जब एल्विश को फटकारने के बाद रातों रात सलमान खान के कई मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। सलमान सर ने एल्विश को कुछ बोला तो सलमान सर के 3 मिलियन फॉलोअर्स गिर गए एकदम अचानक से। एल्विश यादव का ये कोई पहला विवाद नहीं है जब वो चर्चा में है। 2018 में एल्विश का पहला विवाद स्वरा भास्कर के साथ हुआ था, जब उसने स्वरा की फिल्म को लेकर निगेटिव कमेंट किया था। स्वरा भास्कर ने शादी कर ली उससे, फहान अहमद करके नाम है उसका, समाजवादी पार्टी का कोई है, और उससे शादी कर ली। नाउ पहले कर्मों से तो थी, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ इसमें, कर्मों से तो शी वाज मुस्लिम, बट नाउ शी इज ऑफिशियली अ मुस्लिम, स्वरा अहमद, समझ रहे हो। एल्विश दूसरी बार विवादों में तब आया जब एल्विश यादव का कुशा कापिला और आशिका भाटिया से भी पंगा था। यूट्यूबर ने दोनों को रोस्ट किया था और इनके बीच खूब विवाद भी हुआ था। आशिका ने एल्विश पर बॉडी शेमिंग का आरोप लगाया था और जमकर लताड़ भी लगाई थी। सबसे चर्चा में तब आया जब उसने सलमान खान को रोस्ट किया। ये घटना 2019 की है।
जरीन खान होगी, जैकलीन फर्नांडिस होगी, इन सबको सल्लू भाई ने लॉन्च करा है। इनमें से दो ही चल पाई, जरीन खान नहीं चल पाई, उसने पक्का सल्लू भाई को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ा, सॉरी सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे एनजीओ खोल रखे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। उस पर हिट एंड रन का केस भी लग रखा है, ब्लैक बक मारने का मतलब उखाड़ा हिरन मारने का केस भी लग रखा है। 2019 में एल्विस यादव ने सलमान खान को रोस्ट किया था। एल्विस ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग सलमान से डरते हैं, उसने कईयों का करियर बर्बाद किया और उसने इंडस्ट्री में सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस को ही लॉन्च किया। इसके बाद एल्विस और सलमान का आमना सामना भी हुआ। अरे दो मिनट लेट है, गेट आउट। सर सॉरी, गेट आउट। एल्विस से जुड़ा एक और विवाद सुर्खियों में रहा है। जरा याद कीजिए उस गमला चोर को जिसने G20 समिट के दौरान दिल्ली की सड़कों पर रखे गमले चुराए थे। बाद में पता चला कि उसी कार से एल्विस ने रील बना रखी थी। साफ हो जाती है कि या तो वो कार एल्विस यादव की थी या उस कार का मालिक एल्विस यादव का जानने वाला था, क्योंकि एल्विस ने जिस कार से रील्स बनाई और जिस कार से गमले चुराए गए उन दोनों का नंबर एक ही था।